क्या है? मरा हुआ आदमी है वहां पर। कहां दिखा? ओ तेरी यार, सच में लग रहा है। ओए ओए ओए, क्रैश होने वाला, रुको 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 रुको। नमस्कार दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे प्लेस पे लेके जाने वाला हूं जो मोहाली से लगभग 23 किलोमीटर दूर है, चंडीगढ़ से लगभग 19 किलोमीटर और 17 किलोमीटर अगर आप बद्दी की ओर से आ रहे हैं तो। यस, मैं बात कर रहा हूँ सिसवां डैम की, जो कि कुराली मोहाली में पड़ता है। तो यहाँ पे हमने पार्किंग कर दी है गाड़ी की। ऐसे कोई पार्किंग डेजिग्नेटेड नहीं है। वीकेंड्स पे काफ़ी रश होता है, नॉर्मल डेज में ज़्यादा बिजी नहीं होता ये प्लेस। और यहाँ से हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ से देखो काफ़ी बड़ा डैम है और लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसको बनाने का मेन पर्पज़ था कि वाटर को रिजर्व करके उसको इरीगेशन पर्पज़ के लिए आगे यूज करना। ये रहा इसका दूसरी साइड का, यानी कि नीचे वाला एरिया। इस साइड शायद कुछ कॉलेज वगैरह, नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चली हुई है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, इसका काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। बट काफी मनमोहक दृश्य, अच्छा लगता है। यहाँ पे एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ और देखो लोग यहाँ पे बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। और बोटिंग वगैरह की क्या रेट्स हैं वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, पर हेड पर पर्सन क्या ये रेट चार्ज करते हैं। तो अभी हम दूसरे किनारे पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे बोटिंग आप कर सकते हैं। और नाइट कैंप अगर करना है तो 2000 पर टेंट आपका लगेगा। और बोटिंग प्राइस जो है वो पर पर्सन 100 रुपीज़ है फॉर 30 मिनट्स। चलो अब हम भी थोड़ा बोटिंग कर लेते हैं। ये डालनी पड़ेगी सबको। ओके, इसको यहाँ से लॉक कर लो, ऐसे प्रॉपर लॉक करना इसको सेफली। चलो आ जाओ ध्यान से, पैर ना फिसले, वहाँ पे घबराना नहीं है जब आप शिफ्ट होंगे उसमें, बोट में शिफ्ट होंगे। ठीक है, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी। क्या हम पांच हैं तो हमें इकट्ठी चाहिए। ठंड जिस जिसको लग रही है ना उसको पैडल मारने के लिए लगा देंगे। चलो बैठो, आराम से बैठना। ठीक है, चलो चलो, शाबाश। ठंड लग रही थी ना तुम लोगों को, अब गर्मी पड़ेगी, अब गर्मी पड़ जाएगी। शाबाश, स्पीड दे दो जल्दी से, अच्छे से। नहीं गिरोगे तुम, जैकेट्स लगी हैं वैसे भी, अगर गिरोगे तो तुम तैरते रहोगे पानी में पूरी। तो ठंड तो वैसे आई है, सर्दियों में वैसे काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पे, है ना। सर्दियों में भी, गर्मियों में मज़ा आएगा। तो इस तरीके से आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। और बाहर जहाँ से हम एंटर होते हैं वहाँ बाबा भैरव जी का एक मंदिर भी है, जो भी यहाँ की एक स्पेशल अट्रैक्शन है। चलो चलो बच्चों, चलो करो करो चलो चलो, जब गर्मी डालो फटाफट, पैंडल मारो, शाबाश शाबाश। चलो चलो चलो, मैंडियोर जिया ने तुमसे ज्यादा चलाई थी, ज्यादा देर के लिए। वहां से ये देखो, वहां से लेके आए हम, कितनी दूर रह गया वो, अब उतनी देर तुम लेके जाओगे, फटाफट चलो। वो स्टेयरिंग है उधर, हाँ, इससे टर्न, अगर डायरेक्शन चेंज करनी हो इससे तो चलाओ जोर से, लगाओ लगाओ, शाबाश। इतनी इजी थोड़ी ना चल रहा है। यहाँ से देखो पूरा वो आगे तक आप ले जा सकते हो, मतलब 30 मिनट मिलते हैं तो आप फुल यूटिलाइज कर सकते हो। टकरा गया ना बस। चलो चलो साइड करो अपनी गाड़ी, बाय बाय। ये देखो वहाँ से आए थे हम और इतनी दूर रह गया कि अभी हम यहाँ से देख भी नहीं पा रहे हैं। और 30 मिनट्स ठीक है वो उनकी लिमिट जब ज़्यादा रश होता है, बट जब वीक आवर्स होते हैं तो आप नॉर्मली, मतलब जब चाहे अपना जी भर के यहाँ पे बोटिंग कर सकते हो। ये देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ जिससे इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, बोट को किस डायरेक्शन में आपने लेके जाना है वो यहाँ से चेंज होता है। और ये देखो कितना ज़बरदस्त व्यू लगा। और आपकी सेफ्टी का भी एक ख्याल रखा गया है, इसीलिए ISO सर्टिफाइड कंपनी है जो इन बोट्स को बनाती हैं। और सुरक्षा का विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है, आपको जैकेट्स दी जाती हैं। तो अभी बोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम वापस एग्जिट करने वाले हैं। बट जब जहाँ से हम एंटर हुए थे वहाँ पे भी एक स्पॉट है जो देखने वाला है, अट्रैक्शन का पॉइंट है, तो वहाँ लेके चलते हैं अभी आपको। तो ये है, यहाँ से हम एंटर कर जाएंगे। इसका नाम रखा हुआ है कुछ
ब्लैक होल। और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये कुछ देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे लगा हुआ है एक सिंहासन जिसमें मैं अभी फोटो खिंचवाने वाला हूँ बैठ के, और उनके लिए भी बेस्ट प्लेस है। और ये देखो महारानी जी यहाँ पे बैठ चुकी हैं। क्या है? मरा हुआ आदमी कहाँ दिखा? कहाँ है वो? तेरी यार मरा हुआ नहीं, उसको ठंड लग रही है इसीलिए वो गुस्से में घुसा हुआ है। और ये देखो कब्र, ठंड है ना आजकल, तो वो उसने रजाई की जगह पे अपने में तूड़ी फेंकी हुई है। तो ये कुछ थोड़ा सा एरिया जिसका प्लान ऐसे किया गया है जैसे कोई मुर्दा घर हो, यहाँ कब्रें बनी हुई है यहाँ पे। ये देखो बाकी यहाँ पे बैठ के आप फ्रेंड फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ से डैम का व्यू जो है ना वो कुछ डिफरेंट ही लेवल्स का है। JBL का तभी रखा गया सिस्टम, जब शाम को यहाँ पे आके ना पार्टी शार्टी चलती होगी तो फिर यहाँ पे पूरा रंगारंग प्रोग्राम चलता होगा। ये देखो ऐश ट्रे भी वुडन की बना रखी है ताकि आग जल्दी से पकड़ ले। डोगी बैठा हुआ, जा जा नीचे आ जा। भूतिया डॉगी है जी, डरेगी। इसको पहले पता था कि ऊपर डॉगी बैठा हुआ, ये जानबूझ के तेरे को लेके आया था ये डराने के लिए। चलो चलो आ जाओ निकलो अब। तो ये था यहाँ का टोटल विजिट, अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ। और इसके बाद हम पहुँचे हैं यहाँ पे शीश महल गुरुद्वारा साहिब है, बिल्कुल पास में ही 2-3 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ पे भी आप जा सकते हैं और माथा टेक सकते हैं और अपने समय को शुभ बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।